हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। नाउ टुडे इज योर मैथमेटिक्स क्लास एंड आई एम योर मैथ्स टीचर साक्षी। दिस इज योर मैथ्स बुक। दिस इज फ्रॉम कोल्डोवा पब्लिकेशंस एंड द नेम ऑफ योर बुक इज एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। दिस इज अ ग्रे कलर बुक। ओके, नाउ we start our chapter number first, numbers and numeration। आज हम first chapter पढ़ेंगे जिसका नाम है numbers and numeration। numbers क्या होते हैं? Do you know what are numbers? numbers play an important role in our day to day life। हमारी daily life में numbers की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, कुछ numbering बतानी है उसकी, तो हमें numbers का ही use करना पड़ता है। जैसे ना हमें अगर बताना है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, तो हम यही कहेंगे कि, तो अगर हमें किसी चीज़ की कीमत बतानी है तो हम यही कहेंगे ना कि ये चीज़ 10 रुपये की है, कि ये चीज़ 10 रुपीज़ की है, इस तरह से ही हम बताएंगे। तो ये जो 10 है, 20 है, ये सब क्या है? ये सब नंबर्स ही कहलाते हैं। ओके, 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर नंबर्स। सो नंबर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। सी, जैसे देखिए, नंबर्स आर ऑल अराउंड अस। नंबर्स हमारे आसपास गिरे हुए हैं हर जगह। देखिए, जैसे अब ये क्या है, बुर्ज खलीफा, ये बिल्डिंग है, तो इसकी हाइट बताइए, 829 मीटर्स लंबी है ये, ठीक है। तो ये 829 क्या है? ये नंबर ही तो है, नंबर में बताया तभी तो हमें इसकी हाइट पता चली है। सचिन रमेश तेंदुलकर, ये क्या है? क्रिकेटर है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, 24 अप्रैल 1973। तो ये जो 24 है, 1973 है, ये भी क्या है? नंबर्स में बताइए। अगर ये नंबर्स नहीं होंगे तो हम बता ही कैसे पाएंगे। नील रिवर, ये एक रिवर है जिसकी लेंथ है, लंबाई कितनी है? 6853 किलोमीटर, इतनी लंबी है ये रिवर। तो नाइल रिवर, तो इसकी आपको लेंथ बताइए, ये भी किस में बताइए? नंबर्स में बताइए। इसलिए हर चीज़ को बताने के लिए हमें नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न नंबर्स अप टू 9999 इन क्लास थर्ड। आपने क्लास थर्ड में नंबर्स पढ़े हैं, कहाँ तक? 9999 तक आप पढ़ चुके हैं, उनको आज हम रिवाइज करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1। डू यू रिमेंबर? फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है, मतलब आपको इनके नंबर नेम्स लिखना है। देखिए, फर्स्ट क्या है? 3849। कैसे रीड करते हैं आप इसको? 3849 नहीं करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे? 3849। और जिस तरह से हम इसे बोलते हैं उसी तरह से इसका नंबर नेम लिखना है हमें। तो 3 THOUSAND 3 HOUND 100 HUNDRED 40 FORTY 9 NINE 3849 is our answer। Next, 5308 5 FIVE THOUSAND 3 HOUNDRED EIGHT 8। Now question number C and D are your homework। In question number 2 you have to write the numeral form। आपको यहाँ numeral form में लिखना है, मतलब इनके numbers लिखने। यहाँ आपको number name given है, you have to write this in numeral form। First is 4320। कैसे लिखेंगे? 4 3 2 0। 7489 7489। Same as C and D are your homework। Third question is write in expanded form। You know what are expanded form? Expanded form की क्या होता है? Expanded form मतलब आपको बढ़ा कर लिखना, फैला कर लिखना, expand करना, ठीक है। एक्सपांड करना मतलब बढ़ा के या फैला के लिखना। तो जैसे 6827 है, तो आप इसको फैला कर कैसे लिखेंगे? जैसे हम इसे बोल कैसे रहे, 6000 है तो 6000, देन प्लस 800 है तो 800 है, देन 20, देन प्लस 20, देन 7, देन प्लस 7। और आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3। तो हमने 3 जीरोस पुट किए, देन पुट प्लस साइन। नाउ राइट 8, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 1 2। सो राइट 2 जीरोज हियर, देन पुट प्लस साइन। नाउ राइट 2 एंड राइट हाउ मेनी डिजिट आफ्टर 2? ओनली 1। सो राइट 1 0।
जितने डिजिट्स है उतने जीरो पुट करेंगे एंड देन प्लस एंड देन सेवन, सेवन के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ एज इट इज़ सेवन लिखा है। इसी तरह से 3179 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 3000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 9। सी एंड डी आर योर होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब ये आपको, अभी आपने जिसको एक्सपांड किया था ये एक्सपांडेड फॉर्म आपको गिवन रहेगा और आपको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3456। तो इन देखिए 3000 के नीचे लिखेंगे 400 देन 50 देन 6, तो आप नीचे लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे तो कैसा आंसर आएगा, 3456। इसी तरह से 7000 प्लस 90 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 7098। सी एंड डी आर योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन योर मैथ्स बुक एंड इन योर मैथ्स फेयर कॉपी ऑल्सो इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 वी डू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू। हरे कृष्णा।